जब भी आप यूनिलैटरल मूवमेंट करते हो, ऑलराइट गाइस, वार्म अप को कभी मत भूलना। मैं जिम जाता था, आई यूज्ड टू डू दिस क्रेजी एक्सरसाइज व्हिच गिव अ मैसिव पंप इन माय शोल्डर। जब भी आप डंबल यूज करते हो, यू गो टिल हियर। हमेशा याद रखिए, आप लोगों को थोड़ा सा स्लैंट रखने, थोड़ा सा आगे रखना है। Guys, hope you're all doing well and welcome to a new vlog. I don't know whether you can both bari so rahe hai or I just closed it. Hoping अभी आपको सुनाई दे रहा होगा सब कुछ. So आज हम train करने वाले हैं shoulders को. So आज का video होगा सिर्फ shoulders के ऊपर. No, कल परसों मैंने chest train किया था. कल मैंने back और bicep train किया था. Back बहुत sore है. So chest भी थोड़ा बहुत sore है. Sure नहीं, sore है. बाल थोड़ा सेट किया मैंने, बिकॉज मैंने देखा फुटेज बहुत वियर्ड लग रहा था. हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है. अदनान ने कॉल किया तो सुबह में ही हैड सम वर्क एज एन ही वांटेड माय हेल्प विद समथिंग. उसका कार का कुछ काम था. सो आई जस्ट कॉल हिम नाउ एंड आस्क हिम वेदर ही नीड्स सम हेल्प. इफ नॉट, लेट्स डायरेक्टली गो टू द शोल्डर वर्क. ऑलराइट गाइस, वार्म अप को कभी मत भूलना. वार्म अप इज यू नो, यू जस्ट हीट योर बॉडी. यू नो, आप लोग रेडी करते हो वर्कआउट करने के लिए. आप जब एग्ज़ाम लिखते हो, एग्ज़ाम के 10 मिनट पहले वो रिवाइज करते हो ना, सेम इट्स सेम लाइक वार्म अप. आप लोग रेडी होते हो वर्कआउट करने के लिए. सो वार्म अप इज़ रियली इंपॉर्टेंट आप लोगों को. वो वार्म अप इज़ जस्ट दैट यू मेक योर बॉडी टेम्परेचर हाई, दैट्स इट, नथिंग एल्स. सो शोल्डर्स के लिए, और मैं बिलीव करता हूँ कि वार्म अप जिस मसल का वर्कआउट कर रहे हो, सिर्फ उसी का वार्म करे तो इट्स मोर देन इनफ. बिकॉज यू नो, इफ़ यू आर ट्रेनिंग अपर बॉडी एंड इफ़ यू वॉट वार्म योर लोअर बॉडी, आई डोंट नो, लाइक आई डोंट डू दैट. आई जस्ट डू, अगर आज चेस्ट का वर्कआउट करना है तो चेस्ट का वार्म, चेस्ट एंड शोल्डर्स का वार्म. Girl, you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you. वार्म अप भी हो चुका है एंड अभी हम निकालेंगे वेट्स को. फिर पहला एक्सरसाइज होगा डंबल प्रेस, फिर होगा अर्नोल्ड प्रेस, फिर होगा फ्रंट रेजेस, फिर होगा लैटरल रेजेस, फिर रेड रेड के लिए मारूंगा. यूजुअली मैं फ्रंट रेजेस नहीं करता, बिकॉज जब मैं जिम जाता हूँ, यू नो, वी डू इंक्लाइन प्रेस, राइट, तभी हमारा फ्रंट डेल्ट ट्रेन हो जाता है थोड़ा बहुत. सो आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ. नहीं तो ओवर ट्रेन हो जाएगा, यू नो, व्हेन आई डू सो मेनी प्रोग्रेशन. सो अभी जब हम घर पे हैं एंड वी कांट डू इंक्लाइन प्रेसेस, सो आई एम इंक्लूडिंग दिस फ्रंट रेजेस इन माई वर्कआउट. Girl, you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you I'll take a look. Don't know what your mama took, sweet and spicy like a cook, yeah. I'll keep it real, let's make a deal. Buy you a meal if you just let me feel. Get out your heels, grab on the wheel. Back to my place at the top of the hill. Don't ever. मैं जिम जाता था, I used to do this crazy exercise which gave a massive pump in my shoulders, okay? You know, it was with cables, not with dumbbells or the barbells. Cable ke saath, it's called Egyptian lateral raises. What you do it like unilateral movements, single hand first, pehla right ya left. I always go to the left because left, my right is the dominant one. Left thoda weak hai, so I start with my left. Jitna left se ho sakta hai, utna hi right se marta hu, because right I can go more. Jab ye aap dumbbell use karte ho, you go till here. And you come till here and you just drop it, right? But जब आप वो cable use करते हो and unilateral movements, first of all you, when you do unilateral movements, आपका mind muscle connection will be at the peak. You get a full range of motion. You go till here and you don't drop till here. You go till here. यहाँ तक जाते हो, full जाते हो. So you get a full range of motion and an extra stretch also in your tens. जब भी आप unilateral movement करते हो, तो in my case, I always start with the left.
so lift with my left hand, because my right hand is stronger and it's a dominant side, so it's obviously stronger and I can lift more, and or I could go, you know, zyada reps laga sakta hu. So I start with my left hand. तो जितना रेप्स लेफ्ट हैंड से कर सकता हूँ सेम रेप्स आई डू विद विथ माई राइट हैंड. इवन दो आई कैन नो ऑल दो आई कैन गो लाइक आई कैन गो फॉर हायर रेप्स आई डोंट डू इट बिकॉज अगर आप करते हो लाइक अगर इफ़ योर राइट और एनी ऑफ योर हैंड इज स्ट्रॉगर दैन द अदर एंड यू कीप ऑन यू नो इंक्रीजिंग द रेप्स इन दैट हैंड योर डोमिनेंट हैंड तो आपका आपको मसल इम्बैलेंस आ जाता है. एज इन योर राइट हैंड इफ़ योर राइट हैंड इज स्ट्रॉगर आपका राइट हैंड इज विल बी बिगर दैन आवर लेफ्ट. आई मीन दैट इज़ कॉमन बट आपका मेजर मसल इम्बैलेंस हो जाता है दैट इज़ रियली अनॉइंग. Could look at you all day. Watch the way them hips sway. Love your body so I pray. Don't you dare take it away. Can't control what I say. Lost my mind cause your frame. Hey girl, what's your name? Lit me up just like a flame. Body in my flame. Also, jabhi bhi aap ye lateral raises karte ho, standing ya seated one, aap logon ko apna हाथ है ना एज इन द एल्बो शुड स्लैंट इट अप इट. एज इन आप लोग ऐसे नहीं कर सकते कुछ स्लैंट इट अप इट तो ऐसे कर ऐसा करना है आपको. हमेशा याद रखिए आप लोगों को थोड़ा सा स्लैंट रखने है थोड़ा सा आगे आगे रखना है. Everything you do, I can't seem to get enough. You guys, workout तो हो गया. अभी हम पोस्ट वर्कआउट के लिए 150 ग्राम्स चिकन और 3 अंडे खाएंगे. अदर टू इज फॉर माई ब्रदर. इसी के साथ आज का व्लॉग खत्म होता है. होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो. अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर देना एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना. सो टिल देन मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.